जय माता दी। बहुत अच्छा संयोग है, नवरात्रा का समय है और राग दुर्गा का स्पेशल रियाज मैं आप लोग तक भेज रहा हूँ। जिस तरीका से मैं बताने वाला हूँ, मेरी गारंटी है कि उस तरीका से अगर आप रियाज करेंगे तो इस नवरात्रि के समय में सीखा गया ये रियाज आपका बेड़ा पार कर देगा, ये मेरी गारंटी है। राग दुर्गा है, बहुत फेमस प्रचलित राग है। इस राग की खास बात यह है, कुछ खास बात जान लें फिर स्पेशल रियाज की तरफ चलेंगे। और बहुत इत्मीनान से देखने की ज़रूरत है। आप बिगनर्स हैं, आप कुछ दिन से सीख चुके हैं, आप एडवांस लेवल में हैं, फिर भी आपको ये रियाज शुरू से अंत तक देखना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। राग दुर्गा बिलावल थाट का राग है, इसलिए सारे स्वर शुद्ध इसमें प्रयोग होते हैं। खास बात यह है कि 5 स्वरों का ही ये राग है, इसमें ग का प्रयोग नहीं होता है और नी का प्रयोग नहीं होता है। और एक कमाल की बात यह है कि अगर आप सी शार्प स्केल बना के गाते हैं इसको तो सिर्फ ब्लैक नोट का यूज होगा, व्हाइट नोट कहीं भी यूज नहीं होगा। ओके, तो एक फिंगर का एक्सरसाइज भी जबरदस्त आपको इस राग के जरिए होगा। ओके, इस राग में ग नी का प्रयोग नहीं होता है और बिलावल थाट का ये राग है। वादी स्वर जो इसका मेन स्वर जो है, जहाँ ज्यादा समय देना है, वादी स्वर बहुत सारे लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है। 2-3 तरीका के स्वर एक राग के अंदर होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं, 3 मुख्य मान के चलिए। एक होता है वादी स्वर, एक होता है संवादी स्वर। वादी स्वर यानी कि उस राग में सबसे अधिक बार जिस स्वरों का प्रयोग होना है, राजा स्वर। संवादी स्वर यानी कि उससे थोड़ा कम, वादी स्वर से थोड़ा कम और बाकी स्वरों से थोड़ा ज्यादा, संवादी स्वर। और बाकी जितने सारे स्वर बच गए वो स्वर अनुवादी स्वर कहलाते हैं। ओके, कभी कभी विवादी स्वर की भी चर्चा होती है, जो राग की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कभी कभी लगा दिया जाता है जो उस राग में नहीं रहते हैं। तो इस स्वर के जो वादी स्वर हैं इस राग के, वो धैवत हैं और संवादी स्वर रे ऋषभ। ओके, ध रे, ये याद रखें। आरोह अवरोह देखेंगे, पकड़ देखेंगे और बाद में 4 आलाप देखेंगे। आलाप का रियाज ही आपका बेड़ा पार करेगा, चाहे आप किसी भी लेवल में हैं। और इसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त का तिरवट बंदिश के विषय में बताऊंगा, लेकिन पहले जो मेन पार्ट है आलाप, उसको देखते हैं। आरोह अवरोह पकड़ के बाद 4 आलाप बहुत इत्मीनान से देखना है, इत्मीनान से रियाज करना है। किए होंगे कि जब मैं उतर रहा हूं ना तो अल्टरनेट करता हूं अपने फिंगर को आराम से जब आ रहे हैं, और ऐसा करते हुए कि फिंगर का एक्सरसाइज आगे चल के आपका हो जाएगा। इस टाइप का रियाज भी आपका हो जाएगा जो जनरली हाथ में नहीं आता है। ओके, तो ये आरोह अवरोह था, इसको पहले बिना बजा के कर लेंगे, आकार में भी कर लीजिएगा लेकिन बिना बजा के करना जरूरी है फिंगर के इशारा से। सारे ध सा र प म रे सा। मैं इसलिए बीच में दबा दे रहा हूँ क्योंकि जो बिगनर्स हैं वो ऐसा ही करिएगा कि आप एक बार बजा के, एक दो बार करने के बाद बिना बजा के रियाज करिएगा और बीच में चेक करिएगा। सारे पहले बोल के बाद में स्वर दबा के देखिएगा कि आप सही स्वर में हैं कि नहीं। ये कमाल का एक्सपेरिमेंट होगा, कमाल का रियाज होगा। पकड़ इसके हैं मा परा मारे बिना बजा के करेंगे। म प ध म रे प ध म रे सा रे ध सा। तो इस हिसाब से ये पकड़ आरोह अवरोह पकड़ आलाप, पहला आलाप देखिए
बजा बजा के दिखा देता हूँ, लेकिन जिस स्टाइल में बिना बजाए हुए मैं आरोह अवरोह पकड़ कर रियाज बताया, वैसे ही आलाप का भी रियाज करिएगा, कमाल का रियाज हो जाएगा आपका, पूरी तरीका से स्वरों पे पकड़ बनेगा। आलाप नंबर एक, सा के इशारा से हवा में नोट को महसूस करते हुए, ये मेन रियाज है, बजा के तो कर ही लेंगे आप बिना बजा के। सामने पहला आलाप है और फिंगर के इशारा से स्वरों को लगाना है, बीच में चेक भी करना है। सा आलाप नंबर दो बजा के, सारे मारे पारे सारे मा पारे पारा मारे धा धा पम पारे मारे सारे बिना बजा के करें, सारे मारे पा धामारे। एक स्टाइल ये भी है कि पहले अगर दो तीन स्वरों का आलाप आ रहा है तो उसको गा लें, बाद में उसी ट्यून को बजाएं बिना गाए हुए, मैच करें कि हो रहा है कि नहीं। धामारे सारे मा पा धा मारे पधा मारे दादा पा मा पा। आवाज मैचिंग हो रहा है कि नहीं? धाधा पा मा पा परे मारे सारे धसा। आकार में भी कर सकते हैं। चलिए आलाप नंबर तीन में चलते हैं। मा पर सा रे मा पदा मा पारे मारे सारे धसा। बिना बजा के करेंगे, मा पधसा सारा पदा मारे सारे मा पदा मा पारे मारे सारे ध ध सा। ऐसा कर सकते हैं,
सा सा ध ब म म ध सा ध सा र रे सा रे म रे सा रे ध सा सा र र प न म रे प र ब म ब र सा सा र म रे सा रे म रे सा रे ध सा। इसको बिना बजा के कर लिया तो बहुत कुछ क्लियर होगा। देखते हैं म प र सा। जो बिगनर्स हैं एक एक पैटर्न को कई कई बार करिए, मैच करने की कोशिश करिए कि बिना बजाए हुए हम स्वर को लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, सब कुछ आ जाएगा इससे। म प र सा 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 ध ब म ब ध सा आ सा सा ध ब म ब ध सा आ ये रिया द सा रे सारे मारे सारे ध सा प द मारे पर प म ब र सा पर प म ब र सा आ सा र म रे सा रे म रे सा रे ध सा। तो ये चार आलाप, इसके बाद एक बंदिश का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये गाइएगा। जगत जननी कालिका जगत जननी कालिका चर चर जय पालिका चर चर जय पालिका जगत जननी कालिका असुर वंश विनाशनी मां महिषासुर संहारिणी असुर वंश विनाशनी मां महिषासुर संहारिणी संत सुर नर मोक्षदायिनी सृष्टि के संचालिका सारे मां परम पद सारे धरि सा जगत जननी जगत जननी जगत जननी कालिका। तो ये तैयारी करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। जय माता।